विभाग द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पर्यटन नीति तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ में आने वाले 75 स्थलों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में 9 स्थानों सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजीम, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर एवं रामा रामा के विकास और सौंदर्यकरण के लिए 137 करोड़ 45 लाख रुपए की कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ को वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म के रूप में भी पहचान दिलाने हसदेव बांगो डैम सतरेंगा का विकास कार्य पूर्ण हो गया है। वाटर टूरिज्म एवं एडवेंचर टूरिज्म की पर्याप्त संभावनाओं को देखते हुए मुरमुसिल्ली एवं गंगरेल डैम धमतरी, हसदेव बांगो डैम कोरबा, संजय गांधी जलाशय, रतनपुर सरोधा डैम कबीरधाम, समोधा बैराज एवं कोडार डैम रायपुर, मलानिया जलाशय गोरेला और दुधावा जलाशय कांकेर का चयन किया गया है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सिरपुर को विकसित करने के लिए सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से सिरपुर की साइट को और अधिक विकसित किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से रायपुर स्थित होटल जोहरा छत्तीसगढ़ परिसर को उच्च स्तरीय पर्यटन एवं व्यावसायिक परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है। माना तूता में लगभग 80 एकड़ भूमि पर थीम एग्जुमेंट पार्क विकसित करने और मेनपोर्ट रिसोर्ट एवं पंडरा पार्ट रिसोर्ट को वेलनेस सेंटर नेचर केयर सेंटर के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।